पूर्वी लद्दाख की एलएसी पर चीन ने पिछले साल अप्रैल महीने से ही सीमा विवाद शुरू कर दिया था। इसके बाद 15 जून 2020 को पूरे मामले ने तब हिंसक रूप ले लिया जब गलवान घाटी में भारत और चीनी सेना आमने सामने की स्थिति में आ गई थी। हालांकि इस एक साल में भारतीय सेना और वायुसेना ने अपनी ताकत को पहले से कई गुना बढ़ा लिया है और चीन के किसी भी नापाक हरकत से निपटने के लिए पूरी तरह से बॉर्डर पर मुस्तैद है। अब भारत ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्तर से लेकर हर मोर्चे पर चीन की सेना को तगड़ा जवाब देने का इरादा किया है। पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग झील में चीन हमेशा पेट्रोलिंग के दौरान अपनी ताकतवर बोट के जरिए भारतीय इलाके में घुसने की धौंस भी देता था और अपनी मजबूत बोट से भारत की बोट को टक्कर मारकर उन्हें नुकसान पहुंचाता था। लेकिन अब चीन की उन बोट को टक्कर देने के लिए भारत की सेना ने तगड़ी तैयारी की है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने अपनी इस तैयारी को उस चक्रव्यूह का हिस्सा बनाया है जिसके तहत चीन के चालों को मात देने और उसे पूरी तरह घेरने के लिए भारत ने तैयार किया है। पूर्वी लद्दाख में फौज की गश्त को और मजबूत करने के लिए भारत ने एक नया प्लान बनाया है। झील में चीन की जंगी बोट को टक्कर देने के इरादे से भारतीय सेना नई और आधुनिक स्टील बोट तैनात करने जा रहा है। ये नई नौका पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से तैयार है और आधुनिक स्टील से बनाई गई है। चीन की टाइप 98B श्रेणी की बोट के मुकाबले ज्यादा मजबूत और ज्यादा भार के साथ ज्यादा तेज रफ्तार से चलने वाली होगी। भारतीय नौका में 25 सैनिकों को ले जाने की क्षमता है, साथ ही गोला बारूद और भारतीय हथियार ढोने की ताकत है। लेकिन भारत की नौका सर्दी के मौसम में कई दिनों तक ठंडे पानी में रह सकती है, जबकि चीन की नौका ठंडे पानी में ज्यादा नहीं रह सकती। न्यूज एजेंसी ANI ने एक अधिकारी के हवाले से जानकारी दी कि पूरी LSE के साथ लद्दाख में चीन का सामना करने के लिए अतिरिक्त स्ट्राइक कॉर्प्स तैनात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मथुरा की वन स्ट्राइक कॉर्प्स को लद्दाख में उत्तरी सीमा पर भेजा गया है। 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स को अतिरिक्त 10,000 जवान मुहैया कराए गए और उन्हें पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों का जिम्मा दिया गया है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के जांबाज राफेल, MiG-29 और Sukhoi-30 जैसे फाइटर जेट्स की टुकड़ी उत्तरी सीमाओं के इलाकों में सक्रिय रहेगी। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि सेना ने LSE पर पहली बार K-9 तोपें तैनात की है। खास बात है कि इन तोपों में पहिए लगे होते हैं जिनकी वजह से इनकी आवाजाही में किसी दूसरी गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ती। यही नहीं, सेना ने M777 आर्टिलरी गन भी तैनात की है। इसके अलावा भारत ने हवाई सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था की है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि LSE पर आकाश मिसाइल, इसराइल का स्पाइडर और रूस का पेचोरा तैनात है। इसके साथ ही सीमा पर रडार बस्टिंग, स्पाइस 2000, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल R-73, 400 मीडियम रेंज एयर टू एयर गाइडेड जैसी मिसाइल भी तैनात की गई है। यहाँ सेना के पास 15 से 18 महीनों का रसद भी मौजूद है। 15 जून 2020 को चीन के साथ हुए हिंसक टकराव में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे, जबकि चीन के भी कई जवान मारे गए थे। गलवान घाटी में चीन ने जो चाल चली थी उसमें उसे जबरदस्त धक्का लगा था। हालांकि चीनी सैनिकों के पास गलवान घाटी के उस क्षेत्र में होने का कोई अधिकार नहीं था जो स्पष्ट रूप से LSE से भारत की तरफ का हिस्सा था। अब तक दोनों देशों के बीच 11 दौर की बातचीत हो चुकी है। एक साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी पूर्वी लद्दाख के कुछ पॉइंट्स पर स्थिति जस की तस बनी हुई है।